हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब। मैं हूं सलोनी आसवानी। एंड चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जो है स्पोर्ट्स रिलेटेड। फीफा वर्ल्ड कप जो फिलहाल 2022 में कतर में भी चल रहा है, तो इसी पर हम बात करेंगे गाइस कि ये फीफा क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस हम बात करेंगे फुल फॉर्म की। तो फीफा की जो फुल फॉर्म है वो है फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। अब ये जो फुल फॉर्म है ये बहुत लोगों को नहीं पता होगी, बहुत लोगों को पता होगी। वेल, हम बात करेंगे गाइस इसके मुख्यालय की। तो गाइस इसकी स्थापना वैसे तो फ्रांस के अंदर हुई है, पेरिस में, फ्रांस में। 118 साल कुछ हो चुके हैं इसकी स्थापना को। और इसकी स्थापना गाइस 21 मई 1904 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो अभी मुख्यालय है वो है ज्यूरिख के अंदर, जो है स्विट्जरलैंड के अंदर। और ये जो फीफा है गाइस, इसका सिद्धांत है फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। तो ये क्वेश्चन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके अध्यक्ष की, तो इसके अध्यक्ष है गाइस जियानी इन्फेंटिनो इनके अध्यक्ष हैं, प्रोनाउंसिएशन समथिंग। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, तो वो हैं सलमान बिन इब्राहिम उल खलीफा, काफ़ी लंबा नाम है। गाइस ये फीफा की कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। और इसके अलावा एक और बात करें हम, तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अवार्ड फीफा द्वारा दिया जाता है, फीफा वलोन दौर। ये जो अवार्ड है ये बहुत फेमस जो फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उन्हें मिल चुका है। एंड मैसी जो फुटबॉलर हैं उन्हें मिल चुका है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेयर्स को मिल चुका है। ये तो गाइस हमने सिर्फ फीफा की बात करी। अभी हम बात करें अगर फीफा जो वर्ल्ड कप जो है उसकी, तो गाइस अभी ये वर्ल्ड कप चल रहा है और इसका जो अभी जो चैम्पियन है वो है फ्रांस। 2018 के अंदर इसका चैम्पियन फ्रांस बना था। और सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा अभी तक कौन ये अवार्ड जीत चुका है, तो ब्राज़ील गाइस 5 बार ये अवार्ड जीत चुका है। इसके अलावा जर्मनी और इटली भी पीछे नहीं है, 4 बार वो भी जीत चुके हैं। अर्जेंटीना, फ्रांस है और उरुग्वे जो है देश, वो पहला अवार्ड गाइस उन्होंने ही जीता था 1930 के अंदर, और 2 अवार्ड्स वो भी जीत चुका है। और इसके अलावा जो इंग्लैंड और स्पेन है वो भी 1-1 अवार्ड जीत चुके हैं। और अभी फ़िलहाल के लिए इसका आयोजन गाइस कतर में किया जा रहा है, तो नेक्स्ट चैम्पियन कौन है ये देखने वाली बात है। और 2000 इसके बाद जो 2026 में जो नेक्स्ट ये फीफा का जो वर्ल्ड कप होगा, इसका आयोजन कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको कराने वाले हैं, ऐसा बताया गया है। एंड मैक्सिको गाइस पहले भी 2 बार इसका आयोजन करवा चुका है, तो 3 बार आयोजन करवाने वाला पहला देश मैक्सिको बन जाएगा अगर 2026 में आयोजन होता है तो। बट उसके अलावा गाइस हम बात कर करेंगे इनके जो अवार्ड्स मिलते हैं फीफा के अंदर। तो फीफा में सबसे ज़्यादा फेमस आप लोगों ने 2 ही नाम सुने होंगे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मैसी। देन उसके अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने बड़े बड़े अवार्ड्स बनाए हैं। तो इसमें अवार्ड्स के तौर पर जैसे ओलंपिक में मेडल दिया जाता है, तो इसमें बॉल दी जाती है, जैसे गोल्डन बॉल, सिल्वर बॉल, ब्रॉन्ज बॉल, ऐसे बॉल दी जाती है। वही जो सबसे बेस्ट है उसे गोल्डन, फिर सिल्वर, फिर ब्रॉन्ज, अंडरस्टैंड। इसके अलावा बूट्स भी दिए जाते हैं गोल करने वालों को, जैसे गोल्डन बूट, सिल्वर बूट एंड ब्रॉन्ज बूट। इसके अलावा जो गोल कीपर होते हैं, जो कीपिंग करते हैं, जो बेस्ट कीपिंग करता है, उसे गोल्डन दस्ताना अवार्ड दिया जाता है। अब दस्ताना अवार्ड यानी कि ग्लव्स, हैंड ग्लव्स, दस्ताने यानी कि हैंड ग्लव्स, वार्ड अवार्ड दिया जाता है। इसके अलावा वहाँ पे जो फेयर प्ले समिति जो है वो अपनी तरफ से एक फेयर प्ले अवार्ड देती है। इसके अलावा जो फीफा टेक्निकल स्टडी ग्रुप है वो भी अपनी तरफ से जो सबसे युवा खिलाड़ी जो होते हैं, जो अंडर 21 की एज के होते हैं, उनमें जो बेस्ट खेलता है उन्हें भी अवार्ड दिया जाता है।
तो गाइज ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी फीफा के बारे में। आप लोगों में से बहुत लोग इसमें इंटरेस्ट रखते होंगे, और लेकिन ये जो मैंने बताया ये कब हुआ, कहाँ से हुआ, ये नॉलेज हो सकता है हो भी, हो सकता है नहीं भी हो। तो गाइज़ ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी फीफा के बारे में। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को विज़िट ज़रूर करें, और इसके अलावा प्ले स्टोर से हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।